नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। आज बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म का हेल्थ को सही रखने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो आपको बता दें कि शरीर में होने वाले केमिकल प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। आप जो कुछ भी खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलने का काम मेटाबॉलिज्म ही करता है, यानी आपका मेटाबॉलिक रेट जितना ज्यादा सही होगा आपकी सेहत उतनी अच्छी होगी। हालांकि अक्सर हम कुछ ऐसे फूड्स का सेवन भी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे हम मोटापे के साथ साथ कई और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आइए आज आपको उन फूड्स के बारे में बताते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले बात करते हैं शुगर के बारे में। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं तो ये आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इसमें केक, कुकीज, डोनट, शुगर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और फ्रूट जैसे चीजें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं रिफाइंड कार्ब के बारे में। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के इंटेक से भी बचना चाहिए, ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। इस कारण भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रोजन फूड के बारे में। फ्रोजन फूड का सेवन करने से भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर, चीनी, नमक सब कुछ पाया जाता है। इनके सेवन से मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा धीमा हो जाता है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं लो प्रोटीन डाइट के बारे में। लो प्रोटीन डाइट लेने से भी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता है। दरअसल जब आप लो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और बार बार भूख लगने लगती है। इस चक्कर में आप ज्यादा कैलोरी का इंटेक कर लेते हैं और ऐसे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं शराब के बारे में। जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन करना भी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए खतरनाक होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इसमें काफी ज्यादा मात्रा में एम्प्टी कैलोरी होती है। जब आप शराब पीते हैं तो आपकी बॉडी में पहले के मुकाबले में ज्यादा फैट स्टोर होता है और ये लंबे समय तक बॉडी में स्टोर रहता है। इसके कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।